हेलो बच्चों, जैसे ही मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बेताल ने राजा से एक सवाल पूछा और जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल फिर से उस पेड़ पर लटक गया। तो राजा उसके पीछे भाग गए, उसको फिर से अपने कंधे पर लिए और फिर से चलने लगे। तो बेताल बोले, राजा सफ़र बहुत लंबी है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक कहानी सुनाऊँगा। तो ये कहानी है छम्मापुर गाँव की। यहाँ के राजा थे छम्पेश्वर और उनकी छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था शशिबला। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी, क्योंकि जैसे ही वो बड़ी हो गई उसकी खूबसूरती और निखर गई। दूर दूर तक लोग राजकुमारी की खूबसूरती के बारे में चर्चा करते थे। जैसे ही राजकुमारी की खूबसूरती बढ़ रही थी, उसकी यौवनता बढ़ रही थी, महाराज और महारानी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तो दूर दूर तक खबर फैल गई कि महाराज और महारानी राजकुमारी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। आसपास के शहरों से, दूर दूर के देशों से रिश्ते आने लगे। कई राजकुमारों ने अपनी तस्वीर बनाकर भेज दी, लेकिन राजकुमारी किसी को पसंद नहीं करी। तो राजा पूछे कि बेटी क्या मैं स्वयंवर रख लूं? तब भी राजकुमारी राजी नहीं हुई। राजकुमारी ने किसी भी राजकुमार को पसंद नहीं किया, वो तो एक स्वयंवर भी नहीं रखना चाहती थी। तो महाराज यही सोचे कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कराऊंगा जो विद्या, बल और गुण तीनों में बहुत ही अच्छा हो। राजकुमारी ने किसी भी राजकुमार को पसंद नहीं किया, वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पापा स्वयंवर रखे। तो आखिर में महाराज ने ये निर्णय ले लिया कि वो अपनी बेटी को उसी आदमी के साथ शादी करवाएंगे जो रूप, बल और ज्ञान तीनों में सबसे अच्छा हो। एक दिन चार अलग अलग दिशाओं के राज्यों से चार राजकुमार आए। सबसे पहले वैशाली के राजकुमार ने कहा, मेरे जैसे रेशम का वस्त्र कोई नहीं बना सकता। मैं एक रेशम का वस्त्र बनाकर उसे 5 लाख में बेचता हूँ। मेरी जैसी विद्या किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता। ये सब कहकर राजकुमार ने अपने रेशम का वस्त्र दिखाया। महल में जो भी थे उस रेशम के वस्त्र के चमक दमक को देखकर चौंक गए। अवंती के राजकुमार ने बताया कि मैं जल तल के पशुओं की भाषा को समझता हूँ। इसके साथ साथ मैं शरीर के सभी अंगों को समझता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो राजकुमारी को कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगी। चोल देश के राजकुमार ने कहा कि मैं शब्दवेदी तीर चला सकता हूँ, धनुर्विद्या में कोई मुझे हरा नहीं सकता। आखिर में बंग देश के राजकुमार ने कहा कि मैंने इतना शास्त्र पढ़ा है कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वेदों से लेके पुराणों से लेके शास्त्रों तक सभी कंठस्थ है। महाराज ये फैसला नहीं कर पाए कि बेटी की शादी किस वर से करें, क्योंकि चारों में बहुत अच्छे गुण थे और चारों राजकुमार एक से बढ़कर एक सुंदर थे। तो महाराज ने सोचा कि ये निर्णय वो अपनी बेटी पर ही छोड़ देंगे। तो अपनी बेटी को बुलाकर महाराज ने उनके गुणों के बारे में बताया, उनकी सुंदरता के बारे में बताया। ये सब सुनकर राजकुमारी चुप थी। इतना कहकर बेताल बोलता है कि राजा अभी तुम बताओ, चारों लड़कों में से किसको राजकुमारी मिलनी चाहिए? अगर तुम्हें सही जवाब पता है लेकिन फिर भी बोले नहीं, तो तुम्हारा सर फट जाएगा, ये मेरा श्राप है। तब राजा विक्रम बोलते हैं कि जो राजकुमार रेशम के कपड़े बनाता है वो है, जो राजकुमार पानी में रहने वाले पशुओं को समझता है और शारीरिक अंगों के बारे में सब कुछ जानता है वो वैश्य है। जिसने शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ा है वो तो ब्राह्मण है, लेकिन वो राजकुमार जो शब्दवादी तीर चलाना जानता है वही राजकुमारी के योग्य है। वह राजकुमारी का सजातीय है और उसी को राजकुमारी मिलनी चाहिए। जैसे ही विक्रम ने इतना बोला, बेताल जोर जोर से हंसकर फिर से पीपल के पेड़ पर चला गया और विक्रम उनके पीछे भागे।